शाम के 5 बज गए संतोष जी, वही जगह के रिजल्ट्स भी सामने आ रहे हैं, ऐसे में आप दिल्ली की 7 वार्ड सीट पे आपका क्या कहना है? जी देखिए, दिल्ली में 7 लोकसभा सीटें हैं और 7 लोकसभा सीटों पर इस समय भाजपा ने अपना कब्जा बना रखा है और लगातार भाजपा, जाहिर सी बात है, वो जीत की तरफ अग्रसर हो रही है क्योंकि 7 सीटों पर भाजपा ने अपने जितने भी भाजपा के कैंडिडेट्स हैं सभी ने भारी बढ़त ले रखी है। अच्छा, मैं दिल्ली की नॉर्थ ईस्ट सीट पे बात करना चाहूँगी, तो जैसे वहाँ पे कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी में कड़ी टक्कर थी और सुनने में भी आ रहा था कि वो कन्हैया कुमार बोल रहे हैं कि इस बार रिंकिया के पापा को हराना है, ऐसे में आप उस सीट के बारे में हमारे व्यूवर्स को बताइए। जी, शुरुआती रुझान में कन्हैया कुमार उस सीट से कुछ देर तक आगे चल रहे थे और मनोज तिवारी लगभग काफ़ी अंतर तक 20,000-22,000 के अंतर से लगभग पीछे चल रहे थे। उसके बाद जब सेकंड फेज की काउंटिंग शुरू होती है तब अचानक कन्हैया कुमार पीछे होते हैं और धीरे धीरे मनोज तिवारी का ग्राफ आगे की तरफ बढ़ता चला जाता है। उसके बाद अब तक मनोज तिवारी कन्हैया कुमार से लीड पे हैं। आम आदमी पार्टी की अगर मैं बात करूं तो बोला जाता है कि दिल्ली में उनका दबदबा है और केजरीवाल ने भी कई तरह के दावे किए कि उन्होंने ये बहुत सारे काम भी किए हैं, ऐसे में कुलदीप कुमार भी काफ़ी मतलब एक छोटी सी जगह से काफ़ी ऊपर गए हैं, तो उनके सीट पे अभी क्या स्टेटस चल रहा है? देखिए, आम आदमी पार्टी ने बखूबी दिल्ली में बहुत सारे काम किए हो जो भी है, क्योंकि उनकी विधानसभा में सरकार है और उन्होंने काम भी किए हैं, तो उनका दावा भी ये था कि भाई हम लोकसभा में, लेकिन 2014 हो, 2019 हो, 2024 हो, लोकसभा में वोटर का मिजाज जो है वो बिल्कुल अलग है। वो विधानसभा में तो आम आदमी पार्टी को चाह रहे हैं लेकिन लोकसभा के लिए उन्होंने आम आदमी पार्टी को एक सिरे से खारिज कर दिया है। वो अपने आप वो लोकसभा में बीजेपी की तरफ अपना रुख कर चुके हैं। ऐसे और भी वीडियोस को देखने के लिए अभी फॉलो करें हमारे चैनल रफ्तार को।